क्रिप्टो करेंसी आजकल काफ़ी चलन में है और अब तो वित्त मंत्री ने भी बजट भाषण के दौरान आरबीआई द्वारा क्रिप्टो करेंसी लाने की बात की है। हमारे साथ बिमल जैन जी हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, इनसे पूछते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर अब आरबीआई भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी, वित्त मंत्री ने ऐसा कहा है, क्या क्रिप्टो करेंसी इतनी प्रचलन में आ गई है कि अब सरकार खुद क्रिप्टो करेंसी में आ रही है? देखिए, बजट में ये तो हम चाह ही रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बिल आएगा। क्रिप्टो बाज़ार में आज की डेट में बहुत एक्टिव है और कई सेक्टर्स से ये बात, कई लोगों से इस तरह की बातें आ रही थी कि क्रिप्टो के ऊपर एक बिल लाया जाए। तो आज दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहीं आज यूनियन बजट 22-23 में। ऑनरेबल वित्त मंत्री ने यह कहा कि अब जो एक डिजिटल करेंसी है वो आरबीआई लॉन्च करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी। तो आपके हाथ में देखिए वो नोट होते हैं जो आप पॉकेट में रखते हैं, अब आपको मैनुअल से डिजिटाइजेशन, ये डिजिटल करेंसी बैक्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी, 100% सेफ एंड सिक्योर, और किसकी बैकिंग होगी? आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आरबीआई मॉनिटर करेगी, क्योंकि अभी हम देखते हैं जो क्रिप्टो करेंसी का जो दाम है वो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब आरबीआई मॉनिटर करेगी क्रिप्टो करेंसी। इसमें एक करेक्शन मैं करूंगा, जो दाम था वो कितना टूट गया है आपने देखा होगा, कई इन्वेस्टर्स का पैसा टूटा है क्योंकि वो जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर में है वो गवर्नमेंट द्वारा बैकिंग नहीं है, कोई लीगल बैकिंग नहीं है, आरबीआई उसे बैक नहीं करती, और वो जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए थे उनका 60-70% पैसा टूट गया है। जब कोई डिजिटल करेंसी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैक बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी एंड जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए सेफ एंड सिक्योर किया जाएगा, तो हम सबके लिए एक ऑल्टरनेटिव करेंसी मार्केट में आ जाएगी जो मैनुअल से डिजिटल करेंसी कहलाएगी, और जो अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है आरबीआई की क्रिप्टो में हैं उनके लिए 30% का एक इनकम टैक्स का प्रावधान एक अनाउंसमेंट किया गया, और ये भी अनाउंसमेंट किया गया कि अगर आपको उस क्रिप्टो से कोई प्रॉफिट होगी तो 30% का टैक्स लगेगा, लेकिन कोई लॉस होगा तो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि आरबीआई जो क्रिप्टो लॉन्च करेगी या फिर जो मॉनिटर करेगी उसके अलावा अदर क्रिप्टो भी मार्केट में चलते रहेंगे? सी, बिल्कुल चलते रहेंगे ऐसा है, लेकिन आप एज ए इन्वेस्टर्स मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, अगर मैं आपको सेफ़ एंड सिक्योर्ड कोई ऑप्शन दूँ जिसमें मैं आपसे कहूँ कि आपकी करेंसी सेफ एंड सिक्योर्ड है जो डिजिटल करेंसी है, तो आप सेफ एंड सिक्योर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे और वो आरबीआई द्वारा बैकिंग होगी, और ये जो क्रिप्टो अदर देन आरबीआई है जिसमें लीगल बैकिंग नहीं है, वहाँ तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके पैसे का होगा क्या, क्योंकि वो कभी 100 रुपये होती है, कभी आके 60 रुपये पे आ जाती है, तो वहाँ आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं मिलती। क्रिप्टो करेंसी अगर आरबीआई लाती है तो क्या जो अभी हम फिजिकल करेंसी यानी कि जो नोट लेके चलते हैं, नोट वाली करेंसी है, उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा इन दोनों? जी, अब ये दोनों मिक्स्ड वे में मार्केट में आएंगी, आपकी जो फिजिकल करेंसी भी आप लेके चलेंगे और डिजिटल भी करेंगे। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, डिजिटाइजेशन, आपको एक ऑप्शन दिया गया, जो क्रिप्टो के अगेंस्ट में ऑल्टरनेटिव लेके आना था वो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, यानी वो डिजिटल करेंसी आपको हेल्प करेगी। आज कई लोग हैं जो मैनुअली नोट रखना नहीं चाहते, वो चाहते हैं मेरे मोबाइल के ऊपर वो हो और उससे मैं पेमेंट कर दूँ, तो ये डिजिटल करेंसी आपको एक अल्टरनेटिव देती है। अभी दोनों साथ चलेंगे पर आने वाले टाइम में हम डिजिटाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बड़ी राहत वाली बात है, चूंकि आरबीआई की तरफ से अब क्रिप्टो जो भारत सरकार की होगी वो गाइड की जाएगी, इसके अलावा जो अदर क्रिप्टो हैं उन पर 30% टैक्स लगेगा। जानकारों का मानना है, जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि आरबीआई द्वारा जो क्रिप्टो गाइड की जाएगी उस पर लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा होगा। कैमरामैन मनोज के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।